इनको तो फांसी लगना फिक्स है। आजकल रूल्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब क्या करोगी काली, कैसे बचाओगी अपने उजड़ते हुए संसार को? क्या व्हाट हैपेंड? आप सब लोगों को सांप सुन गया? ऐसा कुछ नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हारे लेवल तक गिरे या नहीं। पर गिरना तो पड़ेगा, क्योंकि जहर को सिर्फ जहर काटता है। ये बात अच्छे से जान लो, तुम्हारे मन का मैल इस घर को गंदा नहीं कर पाएगा। भगवान, ये तो पहले ही पुलिस यहां को बुला लाई। युग चौधरी कौन है यहां? जी मैं हूं, बताइए क्या बात है? FIR है तुम्हारे नाम की, थाने चलना होगा। ऐसा जुल्म मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं किया बुआ हमारा। आप मुझे हमत तो समझाते ना है। ये समझना समझाना थाने में होगा माता जी, इसे हमारे साथ थाने में चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपके पास वारंट है? For your kind information, Inspector, under Section 75 of Criminal Procedure Code, if you want to arrest Mr. Yug Chaudhary, you need a warrant. Madam, हम इन्हें arrest नहीं कर रहे। दरअसल एक चोरी हुई, एक FIR दर्ज हुई है गेस्ट हाउस की तरफ से, जहां ये रुके हुए थे, उसी सिलसिले में पूछताछ करनी है। अब उसके लिए तो कोई वारंट की जरूरत नहीं है। जी चलिए मैं चलता हूं। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। वो इट्स सो फनी राइट, कैसे पुलिस को देखकर आप सब लोगों की हवा टाइट हो गई। जस्ट इमेजिन, अगर हमने सच में पुलिस में रिपोर्ट कर दी होती और पुलिस यहां पहुंच जाती वारंट साथ लेकर, तब आप लोगों की हालत क्या होती? बोलो बोलो। और दादी जी, आपका क्या होता ना? पोते को फांसी, और बहू विधवा। और वो क्या कहते? हाँ, प्राण पखेरो। आपके तो प्राण पखेरु ही ना उड़ जाए। तमीज से बात करो गौरी,
अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। अगर हम बदतमीजी पे उतर आए ना तो कहीं की नहीं रहोगी तुम। और ये घटिया तस्वीरें, तुम सोचती हो कि घटिया तस्वीरों की मदद से तुम ये साबित कर दोगी कि युग मुजरिम है, तो ये तुम्हारी भूल है। थू-थू करेंगे सब लोग, चौधरी खानदान के दामन पे दाग लग जाएगा। मिस गौरी छा हो तुम और वही रहोगी। मिसेस गौरी युग चौधरी बनने का सपना छोड़ दो। रुक जाओ कल। चाहती क्या हो तुम? थोड़ा सा युग का प्यार और थोड़ा सा आपका आशीर्वाद, बस इतना ही। पर उसके लिए दादी जी इस घर में एंट्री लेनी होगी ना। और इस बार कोई नौकर वॉकर की तरह नहीं, एक महारानी की तरह, अ क्वीन यू नो, जिसकी दो दो दासियां, एक काली और दूसरी चुलबुली चाची जी। चल हमारे ठेंगे से समझी की समझाएं। माँ जी चुप कराइए ना इसे। हमें मंजूर है। ओह थैंक यू दादी जी, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, थैंक यू। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आफ्टर ऑल हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। ओह वेट 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 दादी जी, काली और चुलबुली चाची जी, आप दोनों हमारा सामान युग के कमरे में रख दो। हम इस घर की प्रिंसेस हैं और अगर हम रहेंगे तो हम प्रिंस के कमरे में रहेंगे, राइट? कंधे पे बिठाए हैं, सिर पे मत नाचो। ओह स्वीट दादी जी, हम यहां नाचने थोड़ी ना आए, हम तो यहां तांडव करेंगे। तांडव, रुक जाइए दादी जी, कोई बात नहीं। तो युग के कमरे में रहना है ना, रहने दीजिए। कह रही हैं आप माँ? ये गौरी क्या कोई डायन है? अरे हम तो कहते हैं ये गौरी की बच्ची ना हमेशा से ऐसी थी, बस अब समय आने पर अपना असली रंग दिखा रही, समझे कि समझाएं। पर करेगी क्या नाम के पति के साथ? हमारी तरह घर पे बैठ के मक्खियां मारेगी और क्या। हम तो एक ऐसे पति के साथ फंस गए इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है हमें, और उसके साथ कहीं बाहर घूमने ना जाना पड़े इसके लिए तो हमने अपनी टांग भी तोड़वा ली। हाँ पता है मैं।
माँ हम आपको थोड़ी देर में कॉल करते हैं। अच्छा अच्छा क्या है ये? अब आपने हमारी जासूसी भी शुरू कर दी, यहाँ छुप छुप के हमारी बातें क्यों सुन रहे थे? अफसोस ये सारी बातें हमने पहले नहीं सुनी, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे दिल में हमारे लिए क्या ख्याल आते हैं। अच्छा तो बात तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आपको इस रिश्ते की असलियत मालूम ही नहीं है। जानते थे लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, हम गलत थे। ठीक है गलती तो सुधारी भी जा सकती, हम आजाद कर देंगे तुम्हें इस नाम के रिश्ते से। नहीं रहना पड़ेगा उस इंसान के साथ जिसकी शक्ल भी देखना तुम पसंद नहीं करते। आप आजाद कर देंगे हमें, हमें तलाक दे देंगे। हाँ बादाम पिस्ता वाला दूध सिर्फ और सिर्फ हमारे युग के लिए। युग ये पियेंगे ना एकदम फिदा हो जाएंगे। युग का हो देखो हम आ गए। युग देखो ना क्या हुआ, इसे घूर के क्यों देख रही हो? हम हैं, कोई भूत वूत नहीं है जो तुम इतना डर गई हो। युग कहाँ है? युग वही जहां उन्हें होना चाहिए। What do you mean? हमारे कमरे में। What nonsense? हमने कहा था ना युग हमारे साथ रहेंगे। एक मिनट तुमने ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारे साथ रहेंगे, बल्कि तुमने ये कहा था कि तुम युग के कमरे में रहोगी। तो लो पूरा का पूरा युग का कमरा तुम्हारा। ओ कदकरा, पूरा कमरा तुम्हारा है, एंजॉय करो। तुम क्यों मेहनत कर रही हो? लाओ 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 ये ट्रे हमें दो, हम युग को दे देंगे। और हाँ एक और बात, तुम्हारी दासी होने के नाते एक सलाह देना चाहते हैं तुम्हें। ये सब जो है ना, ये कमरा, ये स्टेटस, सब कुछ टेम्पररी है। इनकी आदत मत डालना, क्योंकि जब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा ये सब चला जाएगा। तुम वही होगी जहां तुम्हारी असली जगह है, सड़क पर। हम जानते आप बहुत परेशान है ना युग, हम समझ सकते हैं आप इस वक्त इतना मजबूर महसूस कर रहे होंगे। पर युग हमारा यकीन कहता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रात तभी घनी लगती है जब सवेरा होने वाला होता है।
हम आपके फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है माँ जी। आपने सोचा इसका परिणाम क्या हो सकता है? अरे जानते हैं हम, कल धूप में बाल सफेद नहीं ना किए हैं और ना पल के बिछाकरों का स्वागत किए, कम बुरा और ज्यादा बुरा में से एक का चुनाव करना तक किए। सोचे अगर उनसे ले जाती थाने तो हम तो हर तरफ से ना हार गए। वो तो पहले ही नफरत करता है, अभी आ गई है छाती पर बूंद बनने माँ जी। लेकिन ये तो सोचे कि ये कब तक चलेगा, हमें उनकी औकात सामने लानी ही है, वरना वो सब खत्म कर देंगी माँ जी। दादी जी, मंजी माँ सही कह रही है, अगर आज हम दब गए तो फिर आगे चलकर उसके खिलाफ सिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद असंभव। हम जानते हैं दादी जी, आपके लिए मुश्किल होगा, पर ईंट का जवाब हमें पत्थर से देना ही होगा। सिर्फ कमरा नहीं है काली, घर के पूर्वजों की परंपरा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस कमरे में हम कई फैसले किए, उनमें से कई पूरी तरह न्यायसंगत नहीं थे। लेकिन ईश्वर साक्षी है, उन सारे फैसलों के पीछे एक ही कारण था, बल्कि भय था कि कहीं हमारे जीते जी हमारे पूर्वजों की इज्जत पर हाथ न आए। पर लड़की हमारे इसी भय का फायदा उठाकर हम सब के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रही है। आज तुम्हारी ये बूढ़ी सास तुमसे माफी मांगती है। नहीं दादी जी, बहुत तिरस्कार किए हम तुम्हारा, लेकिन आज ईश्वर को साक्षी मानकर सच कह रहे हैं, हमारी इस घर की इन सब की बहू बनने के लायक केवल तुम हो। इस कुल की कुलवधू बनने के लायक केवल तुम हो। पर इसी नाते ये लड़ाई अब तुम्हारी है। गौरी नामक इस राक्षस के आतंक का अंत तुमको करना है। उसके लिए साम दाम दंड भेद चाहे जिसका उपयोग करो, लेकिन इस समस्या का समाधान करो। ये एक सास की आज्ञा नहीं, विनती है। बोलो
करोगे? हमें राम जी की कसम दादी जी, हमारे रहते हुए कोई भी इस घर के किसी भी सदस्य का बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं, हम गौरी नाम के इस आतंक का अंत करके ही मानेंगे। विजयी भव, हे राम जी, हमारी कली की कथा में समरकांड की शुरुआत हो चुकी है। उनका साथ देना, क्योंकि उनकी लड़ाई सच की लड़ाई है।